लो व्यूअर्स, और बताइए व्यूअर्स क्या हाल है आपके। तो जैसे कि आज बाजी चल रही थी बिजनौर में, जो अशरफ भाई ये हैं आप देख लीजिए, अशरफ भाई ये हैं, इनके बराबर में इनके उस्ताद शहजाद भाई, और इनकी बाजी थी किरतपुर के हसीन उस्ताद से, जो दोनों बाजी इन्होंने जीत ली है। आज की बाजी में भी इन्होंने 32 कबूतर बिठाए और उधर हसीन भाई के 26 लगे। इस तरह से दोनों भाई जीत के सीरीज अपने नाम कर ली। अब तीसरी बाजी तो नहीं उड़ेगी ना, तो उस्ताद का भी मुंह उठा के कराओ पहले। उस्ताद ने बहुत मेहनत की है, आज भी 8 जगह से इनके कबूतर उड़ने थे, बाजी सारी बाजी इनके चेले जीत गए हैं। और इसीलिए अशरफ भाई क्या कहना चाहोगे आप अपनी मेहनत पे, कैसे आपका सफ़र रहा? हसीन उस्ताद एक बड़ा नाम थे भाई ज़िले में, नाम से जाने जाते हैं उस्ताद के, तो आपने बाजी लगाते वक्त क्या महसूस कर रहे थे और आपको अब क्या फील हो रहा है, थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। हमारे उस्ताद ने कह दिया था, जो उस्ताद हमारा कह रहे थे जिससे बाजी उड़ानी हो उसी से बाजी उड़ा सकते हैं, हम पीछे नहीं हटते। अच्छा, जिसने उस्ताद ने कह दिया कि उससे बाजी उड़ानी है तो उड़नी है। अच्छा, हार जीत तो खैर किस्मत की होती है। हाँ, वो तो मगर हम मेहनत करते हैं, देखो मेहनत भी हमारे रंग लाती है। और देखो 7 साल से लगा शुगर बाजी उड़ा रहे हो, मेरे उस्ताद कबूतर उड़ाते हैं मेरे, ठीक है 7 साल से मैं कोई बाजी घटा नहीं अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुझे अब भी बहुत उम्मीद थी, भले मेरे कबूतर 1 महीना पहले बीमार हो गए थे, मगर अल्लाह ने सही कर दिया, इज्जत देनी थी ना अल्लाह ताला को। तो देखा आपने उस्ताद भी बहुत खुशियाँ, आपने देखा चाय के साथ रसगुल्ला अभी इन्होंने खाया था एक उस्ताद ने। तो उस्ताद आप भी कुछ कहना चाहेंगे उस्ताद, थोड़ा सा तो बोल दो, हमारे दर्शक देखना चाह रहे हैं भाई 8 जगह की बात, अरे थोड़ा सा तो बोल जाओ। और देखिए यहाँ पे ये मनोरम दृश्य, बच्चे वगैरह सब हैं, और ये भी खड़े, थोड़ा इधर को आओ, जब रोशनी में इधर से दिखाई देंगे। ये है हमारे साइम भाई आ जाओ, अशरफ अशरफ के यहाँ असली कबूतर गिराए का मेन रूल इनका ही है। हाँ, मेन ग्रुप तो वही है, मेन रूल साइम भाई का, साइम का, साइम भी देखा था, बहुत बढ़िया भैया। ये आ गए साकिब, इनकी शादी होने वाली है। अबे कुछ भी ना लिया मैंने, कह रहा था चौथी रॉक उस्ताद। तो देखिए अब हम उस्ताद से भी 2 वर्ड कहना कहलवाना चाहेंगे। उस्ताद कुछ आप बताइए, बाजी कैसी, क्या फील हुआ आपको? बाजी बहुत टेढ़ी थी हमारी, बहुत टक्कर का खिलाड़ी था हमारे सामने। अच्छा उस्ताद, मेहनत करी बहुत हमने। अच्छा अच्छा, चलो माशाल्लाह कामयाबी मिली है। और उस्ताद आप जहाँ तक जाते हो ये तो बात पक्की है, जीत वहाँ होनी है। 8 उड़ान थी। अच्छा अच्छा, नगीना की 8 जीते। हाँ, कौन नगीना थे? नगीना थे सदन ठेकेदार की। अच्छा, अरे वाह। और एक इस्लाम भाई की थी। हाँ, इटाल वाले हैं। हाँ, अरे वाह, बहुत। और एक राहुल भाई की थी, राहुल भाई B24 वाले। हाँ, B24 का। और एक और थी। हाँ, तो उस्ताद ने आज बता रहे हैं 8 उड़ानें हैं, 8 उड़ानें इनके जीत गए हैं। उस्ताद की मेहनत बहुत है, उस्ताद को तजुर्बा बहुत है, और सभी जानते होंगे रशीद भाई मरहूम के छोटे भाई हैं, और अब उसके बाद सारे अपने जितने भी इनके शागिर्द दर्शु भाई के थे अब इन्हीं के अंडर में हैं, और बहुत मेहनत कर रहे हैं ये, और ये मेहनत का नतीजा कि आज इनके कबूतर 32 टाइम में लगे, और बिल्कुल 6 बजे तक भी 4 कबूतर छत पे ही खड़े थे और 4 कबूतर और ऊपर थे। अब देखिए बहुत इन्होंने दोनों भाई जीत के हसीन उस 5 बजे के बाद 6-7 कबूतर बैठे इनके। आज 1 नवंबर का दिन है, बहुत अच्छा दिन था। तो अब तीसरी उड़ान तो उड़नी नहीं, फाइनल हो गई सीरीज बस। आप सब इधर आ जाओ, तो दर्शकों को भी देख लो आप, ये भी खुश हैं, ये देखिए आप सभी दर्शक खुश हैं, और ये भी आ गए देखिए हमारे। हाँ, फसी भाई फसी भी आ गए, ये देखिए सभी खुश हैं लोग ये। और अब आपका टूर्नामेंट है बिजनौर का, 41 कबूतरों का, 41 कबूतरों का टूर्नामेंट। चलिए उस दिन भी कवरेज करेंगे आपका, जी, तो आपको भी नज़र रहेगी। ये शहर के जो है ना इस टाइम सबसे ज़्यादा क्या कहें वाइब्रेंट खिलाड़ियों में से हैं अशरफ भाई जो हैं, सबसे ज़्यादा बाजी उड़ाने में इन्हीं का हाथ है इस टाइम। तो अगली उड़ान देखते हैं फिर इनसे। ओके फ्रेंड्स।